अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शाइस्ता ज़िया व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं तड़के वाली कद्दू चना दाल। वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चले आए हम हमारी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। आधा किलो कद्दू ले लिए हैं और आधा किलो ही ले लिए चने की दाल। चने की दाल को भिगो के रख दिया था। अब हम डालते हैं इसको प्रेशर कुकर में। दो ग्लास पानी के डाल देते हैं, एक चम्मच हल्दी का डाल दिया है और अब दो चम्मच नमक के डाल रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये दो चम्मच हमने मिर्चों के डाल दिए हैं। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें। एक चम्मच ज़ीरे का आ गया है और एक चम्मच ये खुश्क धनिया। अब हम इसको मसल के डाल देते हैं। इसको उबलने के लिए हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। और काफ़ी दिन में वीडियोस, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी इसलिए माजरत, में वीडियोस डाल नहीं सकी। अब मैं इसमें कद्दू डाल देती हूँ। अब तबीयत बेहतर हुई है तो मैंने कहा चलें आज आपके लिए न्यू वीडियो ले आते हैं। तो अब मैंने कद्दू डाल दिए हैं। अब हम कद्दू को भी अच्छे से इसमें पका लेंगे। तो अब हम कर देते हैं प्रेशर कुकर को दोबारा से बंद। तो अभी हमें इसे 15 से 20 मिनट तक पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं जिसमें जो पानी था वो भी खुश्क हो गया और जो कद्दू है हम उसको मैश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुकी है। हम इसका अब साथ में ही तड़का बना लेंगे। तड़के से ये होगा कि इसका जो जायका है वो दुबाला हो जाएगा और खुशबू भी इसमें से बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि चलें ये तैयार हो गई है। तो हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। फ्राई पैन में घी ले लेना है, लहसुन डाल देना है, लहसुन को थोड़ा सा पकाना है और फिर हमने इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देना है। इसको भी हमें थोड़ा सा पका लेना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 4 हरी मिर्चें और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि गोल्डन होना शुरू हो गया है और जब इसमें खुशबू उठेगी ना तो तब इसका मतलब है कि हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें एक चम्मच खुश्क धनिया का और एक चम्मच जीरे का डाल दिया है और अब इसमें बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू उठ रही है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं और दाल में शामिल करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने दाल में शामिल कर दिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो दाल है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम कर लेते हैं इसको सर्व। मैंने ऊपर धनिया डाल दिया था, थोड़ी सी मिर्चा लगा दी थी और साथ में सलाद काट लिया था थोड़ा सा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। भाई आप देखें, इसको मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ कि जो हमारे कद्दू थे वो बहुत ही अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लिए थे। कद्दू का पता भी नहीं चल रहा है कि कद्दू थे भी या नहीं।